अस्सलाम वालेकुम गेमर्स, वेलकम टू द वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड। तो न्यू अपडेट एंड न्यू फीचर्स, यहाँ हमने 2.2 वर्जन में जितनी भी चीज़ें न्यू एक्सप्लोर की हैं, टॉप फीचर्स आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स ऐड किए गए हैं, प्लस आपके पास काफ़ी कुछ जो है न्यू चीज़ें भी ऐड की गई हैं। जो आपका UI है वो बहुत हद तक चेंज कर दिया गया है। तो आप इससे पहले किसी और फ्रेंड से आपको कोई न्यू अपडेट पता लगे, आप ये वीडियो कम्प्लीट देख लो। मोस्टली मैंने जितना एक्सप्लोर किया है वो आप लोग के साथ शेयर करूंगी। बाई चांस अगर बहुत इंपॉर्टेंट मैंने एक आधा पॉइंट मिस कर दिया तो वो आगे आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हो तो लाजमी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल कर दो। ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो एक मरतबा अनसब्सक्राइब करके आप दोबारा सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दो, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं जा रहे। पहला फीचर आपके फ्रेंड को ऑटो मैसेज का है, बिलफर्ज आपका फ्रेंड मैच में है, कोई मैच लगाया हुआ है कोई भी, तो आप उसको अगर रिजर्वेशन भेजते हो तो यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन है मैसेजेस के, डिफरेंट तीनों मैसेजेस आप देख सकते हो। यू वांट टू प्ले अनदर मैच, लेट्स प्ले टुगेदर, पहला मैसेज ये है। सेकंड है, इज योर मैच ऑलमोस्ट ओवर, लेट्स प्ले द नेक्स्ट मैच टुगेदर। अच्छा फीचर है ये, इससे आपको जो है ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास पॉपुलैरिटी के सेक्शन हो गए, बिलफर्स आपके पास जो नॉर्मल पॉपुलैरिटीज है वो आपको इधर दिख जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा आपके पास अगर इवेंट के रिगार्डेड पॉपुलैरिटी है तो वो डिफरेंट सेक्शन में है, और ये आपको सिनर्जी वाली एक डिफरेंट पॉपुलैरिटी मिल रही है। इससे आपके पार्टनर की सिनर्जी आपको इंस्टेंटली बढ़ानी है तो आप ये दे सकते हो। लाजमी नहीं, पार्टनर और आप ये पॉपुलैरिटीज देने से रैंकिंग में भी आओगे। इनका एक रैंक सिस्टम भी स्टार्ट हुआ है, जो कि थोड़ा बहुत मैंने अभी देखा है, बाकी देखते हैं क्या सीन बनता है। तो ये आप चेक कर लो, इनकी डिटेल्स अगर आप इनके ऊपर टच करते हो तो भी आपको दिख जाएगी, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल तीन चीज़ें ऐड की गई हैं, फ्लावर हैं, फिर बंच ऑफ फ्लावर, फिर बुके है, ये तीन फूल दिख रहे हैं बस, ये हो गया। इसके अलावा आपके पास बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड पॉपुलैरिटीज भी आई हैं, जिन्होंने इनको एक 3D एनिमेशन का नाम दिया है, और वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये गिफ्ट वाला सीन भी यहीं पे ऐड कर दिया गया है। तो ये वो पॉपुलैरिटीज़ हैं। पहले तो आप 1000 पॉपुलैरिटीज़ तक का प्लेन दे सकते थे, लेकिन अब इन्होंने डिफरेंट दे दिए हैं। यहाँ पर आपके पास बैलून्स भी अवेलेबल है, केक भी अवेलेबल है। लाइक अगर किसी का बर्थडे है, आपने उसको बर्थडे विश करना है, तो ये भी एक अच्छा सीन हो गया है। लेकिन भाई खूब UC यहाँ पे डालने पड़ेंगे, वो पबजी के हैं ना, पबजी ने खूब UC लगवाने के यहाँ पे कर लिए हैं इरादे। तो यहाँ पे आप अप टू 10K UC से पॉपुलैरिटी दे सकते हो। और एक चीज़ चेक करो, इन पे इन्फिनिटी साइन दिया हुआ है, इट मीन्स आप जितनी चाहे उतनी पॉपुलैरिटी दे सकते हो, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है। जैसे चिकन आप 5 दे सकते हो और रोस्टेड चिकन आप 10 दे सकते हो। तो ये इन्फिनिटी साइन आपको जिस पॉपुलैरिटी में दिख रहा है, इट मीन्स लगातार आप दे सकते हो, कोई इसके ऊपर आपको लिमिट नहीं लगी हुई। तो भाई हमारे पास तो इतने UC नहीं कि हम ये इन्फिनिटी यूज़ करें। लेट्स सी, जो रैंकिंग वाले बंदे हैं ना, उन लोग का भला हो जाएगा, उन्हें रैंकिंग में बैठना होता है तो कोई लिमिट नहीं है। ये फ़ीचर हो गया, मुझे आपने बताना है आपको कौन कौन से फ़ीचर अच्छे लगे हैं, कमेंट में बताना लाजमी, और लाजमी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। 4 to 5K जर्नी स्टार्ट है, जल्दी से 5K करवा दो, रॉयल पासेस की गिव अवे किए जाएंगे। काफ़ी यूनिक वीडियोस होती हैं मेरे चैनल की, तो आप चेकआउट कर सकते हो, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर में आप अपने प्यारों को पिन कर सकते हैं। पिन का सिस्टम तो आई होप सभी को पता होगा, 3 डॉट पर टच करो, जहाँ पर डिलीट और ब्लॉक लिस्ट के साथ एक और ऑप्शन ऐड कर दिया गया है, जो कि है पिन। इट मीन्स आपके जो फेवरेट या बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनके IDs को आप पिन कर सकते हो, और उसकी लिमिट है 100। वाह भाई वाह, 100 की लिमिट पिन में। वेल, आपको ये फीचर कैसा लगा? एक अनाउंसमेंट है आप सबके लिए, मैंने PUBG EXE कॉन्टेंट स्टार्ट किया है। I am the first गर्ल कॉन्टेंट क्रिएटर जो आपको ऐसी लीक्स वगैरह प्रोवाइड करती है, और ये EXE क्रिएट कर रही हूँ। बॉयज में भी मैंने सिर्फ एक देखा है, बाकी अगर हो तो I don't know, लेकिन गर्ल्स में से मैं फ़र्स्ट वन हूँ जो EXE कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ। अब तक 2 वीडियोस बना चुकी हूँ, आप लोग की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला, इसलिए चाह रही हूँ कि अपनी ही वीडियो में मैं न्यू मेंबर्स को जो भी आ रहे हैं उनको बताऊँ, ताकि वो चेकआउट करें। काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम लगता है इस एक वीडियो को बनाने में। मैंने 2 वीडियोज़ बनाई हैं, जाके चेकआउट करो, और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तभी कह रही हूँ सिर्फ एक मरतबा चेकआउट कर लेना इस वीडियो के बाद, और अगर अच्छी लगती हो तो डेफिनेटली शेयर वगैरह करो। ये मैं कंटिन्यू करूँगी इनकी वीडियोज़। सपोर्ट दिखाओ हार्डवर्क, और एज अ फर्स्ट क्रिएटर सपोर्ट दिखाओ पब्लिक। तो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट फीचर आ जाता है आपको हैकर बनाने वाला। भाई यहाँ पे आपको जो आँख दिख रही है ना बॉटम में, कैप्चर कैमरा बना हुआ है, पॉपुलैरिटी के लेफ्ट साइड पे आँख दिख रही है आपको,
ये आप देख सकते हो कि आपकी प्रोफाइल को किस किस बंदे ने विजिट किया है। नो मोर हिडन थिंग्स भाई, कौन कौन सस्पिशियस एक्टिविटीज़ करता है, सामने से नाराज़ है लेकिन बार बार आपकी प्रोफाइल चेक करता है कि किसने पॉपुलैरिटी दी है, क्या क्या हुआ है। तो भाई अब आप ये चेक कर सकते हो, ठीक है, बताना कौन कौन से फीचर अच्छे लगे। ये न्यू पॉपुलैरिटी है, आप चेक करो ग्लिटरी, जो कि बहुत महंगी भी है और आपके पास ऐड कर दी गई है। इसके अलावा पॉपुलैरिटी के लेवल्स भी बढ़ा दिए गए हैं, अब तक आपके पास जस्ट रेड पॉपुलैरिटी थी लेकिन अब आपके पास येलो भी आ गई है और आप देख लो इनको लेवल्स का नाम भी दे दिया गया है। 7 लेवल से आगे सबसे बड़ा लेवल 7 है, उसी पे आपकी येलो हो जाएगी और फिलहाल इसी से आप ऊपर जाते रहो आपकी येलो ही रहेगी। तो यहाँ पे ये सीन हो गया है और आपकी पॉपुलैरिटी के ऊपर लेवल्स भी दिखेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये भी न्यू पॉपुलैरिटी है जिनका इन्होंने बताया हुआ है कि आप पॉपुलैरिटी सेक्शन में इस सेक्शन में जाके ये पॉपुलैरिटीज़ दे सकते हो, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब एक न्यू सिस्टम शुरू किया गया है, क्लाउड सिस्टम। यहाँ पे आपका खुद का भी लेवल होगा कि आप कितनी पॉपुलैरिटी देते हो। फिलहाल मैंने कुछ नहीं दिया था तो मेरा टोटल भी 0 है और वीकली भी 0 है। तो ये वाला आपको पॉपुलैरिटी जब आप देखोगे तो आपको लेवल दिख जाएगा और अगर आप पॉपुलैरिटी देते हो तो उस हिसाब से आपको लेवल्स दिए जाएंगे और आपको कुछ बैजेस दिए जाएंगे, कुछ टैग्स दिए जाएंगे, होते ना जैसे नेम के साथ। तो अभी मेरा लेवल 0 है तो मुझे 0 दिख रहा है, लेकिन आप जैसे जैसे पॉपुलैरिटीज दोगे वैसे वैसे आपको देखो ये लेवल्स बढ़ते जाएंगे। लेवल 10 पे आपका जो बैज है वो ग्रीन हो जाएगा, इसके अलावा आपका लेवल 15 पे पर्पल वॉयलेट हो जाएगा। इसी तरह डिफरेंट लेवल हैं, यहाँ पे आपका जो वर्ल्ड चैट है उधर आप जब मैसेज वगैरह करोगे तो आपको बैजेस भी साथ में दिखेंगे। इसके अलावा अगर आप किसी बंदे को पॉपुलैरिटी देते हो तो उससे पहले वहाँ आपका पॉपुलैरिटी दिखती थी और नाम दिखता था, यानी आपकी आईडी का नाम, लेकिन अब आपका ये लेवल भी दिखेगा साथ साथ कि आपका खुद का कितना लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर लो, ये डिफरेंट क्लाउड लेवल इसको सिस्टम ने बनाया है, ठीक है। 50 लेवल है अभी तक यहाँ पर सिर्फ। बाकी चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे आप चेक कर लो ये पॉपुलैरिटी जो रेड से ऊपर आ गए हैं ना लेवल, वो ये आप चेक कर लो, ये आपको दिख जाएगा लेवल 7 से। आई गेस ये येलो हो गई थी पॉपुलैरिटी ना। ये चीज़ भी आप देखो, जिनकी लेजेंडरी पॉपुलैरिटी है उनको भी येलो वाले टैग मिले हुए हैं पॉपुलैरिटी के, ठीक है। यानी कि अब पॉपुलैरिटी के 2 रैंक सिस्टम चल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको मज़ीद अपडेट करती रहूँगी। चलते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ या नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अब आपको मिल रही हैं थीम्स पॉपुलैरिटी डिटेल्स में भी। थीम्स बताती हूँ लेकिन पहले यहाँ पे आप गिफ्ट कलेक्शन में देख लो, यानी आपके पास जो यूनिक पॉपुलैरिटी है वो कौन कौन सी आपके पास है वो सारा यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। सेपरेट सेक्शन बना दिया है तो ये आप चेक कर सकते हो और सारी की सारी पॉपुलैरिटी है। इसका जो सेक्शन 2 है टॉप पे आप देखो गिफ्ट थीम लिखा हुआ है। आई थिंक इसका कुछ ऐसा सीन होगा जैसे हमें मोमेंट के लिए वॉलपेपर थीम नहीं मिला कस्टमाइज, इसी तरह से आई थिंक पॉपुलैरिटी में भी जैसे भी आप बैकग्राउंड चेक करो यूआई जो है वो प्लेन है, ब्लैक और थोड़ा डार्किश सा जो है ना मैट सा। अभी तक यहाँ पे 4 थीम्स मिली हैं तो अगर आपके पास इनमें से कोई एक थीम होगी या चारों ही होंगी तो डिफरेंट से ये हो सकता है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा कलरफुल हो जाए, थोड़ा डिफरेंट वॉलपेपर लग जाए, ठीक है। नेक्स्ट आप चेक करो, आपको जो फ्रेंड रिक्वेस्ट आई होती हैं नेक्स्ट अपडेट में आप देखो रिक्वेस्ट के भी सेक्शन बन गए हैं, यानी कि अगर प्लेयर थोड़ा अच्छा है, उसका अकाउंट अच्छा है, अच्छा खेलता है तो वो थोड़ा हाईलाइट होकर दिखेगा, ठीक है। और बाकी जिसका मतलब रैंक वगैरह डाउन होगा उसका नॉर्मली जैसे आपको होती है वो दोनों आपको डिफरेंस दिख रहे होंगे। ये अपडेट हो गई तो आपने लाइक और शेयर लाजमी कर देना वीडियो को, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो डेफिनेटली लाइक कर दो। नेक्स्ट फीचर में आप चेक करो, इमोट सेक्शन खोलोगे तो एक ऑप्शन आ रहा है इंस्पेक्ट वेपन। ये ऑप्शन वो चीज़ है कि आप इसको टच करोगे ड्यूरिंग इमोट भी करोगे तो ये काम कर जाएगा, बंदा जो है अपनी गन को इंस्पेक्ट करने लग जाएगा, ठीक है। ये पहले भी अपडेट में था लेकिन हम खुद से नहीं कर सकते थे, वो खुद ही जो प्लेयर खड़ा रहता है फिर वो खुद ही थोड़ी देर बाद अपनी गन को देखने लग जाता है, लेकिन अब आप इमोट की तरह टच करके भी इसको कर सकते हो। नेक्स्ट आपका जो इमोट सेक्शन है वो एक्सटेंड कर दिया गया है, आई थिंक पहले 2 की रोज थी और अब यहाँ पे 3 ऐड कर दी गई हैं। एज वेल आपके चेयर पार्क के जो स्टिकर हैं उनकी भी 3 कर दी गई हैं और यहाँ पे आपकी पुरानी जो लॉबी थी परमानेंट वाली वो सिरे से ख़त्म कर दी और आपको यही परमानेंट लॉबी मिलेगी, आप चेक कर सकते हो जाकर। अब वो लॉबी गई तो स्काई ग्लो आई थिंक थोड़ा चेंज हो जाएगा, जो लोग स्काई ग्लो करते थे ना। मुझे बताओ आप लोगों को पुरानी लॉबी ज़्यादा अच्छी लगी है क्या, ये लॉबी अच्छी लगी, कौन सी लॉबी अच्छी लगी और एडिटिंग के लिहाज से कौन सी वाली बेस्ट थी। नेक्स्ट अपडेट आपकी इन्वेंट्री के लिहाज से, कोई भी थिंग आप जब टच करते हो उसको सिलेक्ट करते हो तो वहाँ पर जो सिलेक्शन फ्रेम बनता है वो इन्हेंस कर दिया है, थोड़ा डार्कर थोड़ा बोल्ड कर दिया गया है, आप चेक करो।
और ये अपडेट हो गई, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगर आप कोई भी रिवॉर्ड कलेक्ट करते हो तो उसकी एनिमेशन बिट चेंज की गई है। चेक करो यहाँ पे, एनिमेशन थोड़ी सी चेंज की गई है। इसके अलावा आपके पास बहुत सारी न्यू अचीवमेंट्स ऐड की गई हैं, जिसमें से आई होप जिस तरह मेरी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं, आपकी भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होंगी। और जो रहती हैं, बाकी रहती हैं, वो अचीवमेंट की टिप्स वगैरह अगर मुझे मैं करते वक्त देखूंगी तो आप लोग के साथ उसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगी, ठीक है। काफ़ी सारी अचीवमेंट्स जो लोग फटाफट से करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उनकी टिप्स वाली वीडियोस मैं बना दूंगी। आपने बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके रखना है उसके लिए। एक बहुत ही कमाल का फीचर ऐड किया गया है, यहाँ आपने सेटिंग्स पे जाना है, उसके बाद कस्टमाइज बटन में जाना है। आपका कोई भी लेआउट हो, डजंट मैटर, आपने लेआउट के ऊपर टच करना है। आप अगर फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको एरोस मिल जाएंगे, नीचे रिकमेंडेड पे आना है और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे क्लॉ सेटिंग, 2 finger, 3 finger, 4 finger claw। अगर आपको मुश्किल होती है खुद से क्लॉ सेटिंग करने में तो PUBG आपको रिकमेंडेड क्लॉ सेटिंग्स दे रहा है। आप प्रीव्यू करके भी देख सकते हो तीनों सेटिंग्स। इसके अलावा आप टैबलेट के लिए भी ये सेटिंग्स यूज़ कर सकते हो। प्रीव्यू के ऊपर टच करोगे तो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा कि ये सेटिंग्स कैसे होगी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपकी सेटिंग मैसअप हो जाएगी, जाहिर है आप सेफ वगैरह करोगे तभी ये सेटिंग अप्लाई होगी। तो प्रीव्यू करके हम देख लेते हैं और आप चेक कर लो। मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये सिस्टम, ये वाला न्यू फीचर, तो ये चेक करो, अच्छी खासी है। एक दो सेटिंग मेरे लिहाज से मेरी जो होगी वो चेंज करूँगी तो मेरी परफेक्ट बन जाएगी, लेकिन खैर आप लोग के लिए एक अच्छा फीचर है। कैसा लगा फीचर मुझे ज़रूर बताना। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, डेफिनेटली मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, तो आपने ज़रूर लाइक एंड शेयर करना है। शेयर करो, सपोर्ट दिखाओ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर। And I have no mercy. There's no way up, so I'm going down. Still I keep on living, so you pull me closer.